अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पर बना रही हूँ कलेजी और साथ में आलू बना रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कलेजी और आलू इनका क्या आपस में मिक्स है, लेकिन दरअसल बात यह है कि बच्चे कलेजी इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो वो फिर साथ फरमाइश कर देते हैं कि मामा हमारे लिए आलू भी बना दें। तो हम इसे सिर्फ कलेजी नहीं खाई जाती, आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं तो वो ज़्यादा शौक़ से गोश्त कलेजी ये चीज़ें नहीं खाते हैं, जबकि ये बहुत अच्छी होती हैं, जिगर में मतलब ताज़ा खून वगैरह बनता है कलेजी खाने से। तो उनकी मुश्किल आसान करने के लिए फिर मैं क्या करती हूँ, साथ में अगर इस तरह से गोश्त वगैरह बनाऊँ या कलेजी वगैरह बनाऊँ तो फिर इस तरह से चॉप करके आलू बना लेती हूँ। तो फिर बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, दोनों चीज़ें खा लेंगे। तो ये यहाँ पर लहसुन अदरक और इसमें मैंने हरी मिर्च डाल के पीस ली थी, तो ये इसका पेस्ट है। तो इसमें अब मैं डालने लगी हूँ कलेजी, तो कलेजी को मैं इसमें भून लूँगी। इससे क्या होता है कि कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और टेस्ट में भी अच्छी हो जाती है, भारीपन ख़त्म हो जाता है, जो कलेजी का भारीपन होता है और एक स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ ये आलू पक रहे हैं बच्चों की फरमाइश पे, तो वो कहेंगे कि मामा अगर आपने आलू नहीं बनाने तो फिर हमने कलेजी भी नहीं खानी। तो फिर इसलिए मैं साथ में आलू भी बना देती होती हूँ कि बच्चों की भी बात पूरी हो जाए और मेरी भी। तो बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं, तो आज उन्हें स्कूल से छुट्टी थी तो वो आमना के साथ खेलने में मसरूफ़ हैं। तो मैं इधर खाना वगैरह रेडी कर रही हूँ, पापा इनके गए हुए हैं काम से, तो ये आज हमारे दिन की रूटीन है। बहुत से लोग कलेजी को पता नहीं दही लगाएंगे, बेसन वगैरह लगाते हैं कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, इस तरह से कलेजी को धो के पानी में से निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद क्या करती हूँ, लहसुन अदरक में सबको फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा मज़े का जायका हो जाता है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और भारीपन भी नहीं फील होता। तो ये अब मैंने कलेजी इसमें डाल दी है, ये अब थोड़ी देर इस तरह लहसुन अदरक में फ्राई होगी, इसके साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। अच्छा, तो ये आलू बन रहे हैं और इसमें अभी मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है, नमक मिर्चे कुछ भी नहीं डाला। ये थोड़े से फ्राई जब हो जाएंगे तो फिर मैं इनमें नमक और बाकी स्पाइसेस डालूंगी। अगर पहले डाल दो तो फिर वो नीचे से ना आलू लग से जाते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, आगे जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ लिंक शेयर किया करें। बहुत अच्छे की मज़े मज़े की वीडियो होती हैं, तो आप लोगों के तामन की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। लाल बटन जो होता है वो आपको पता है ख़तरे का निशान होता है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको ग्रे कर देना है और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं रोज़ाना जो डेली अपनी वीडियो डालती हूँ, कुछ रूटीन की पे होती है मेरी वीडियो, कुछ इसी तरह से खाना वगैरह मैं बनाती हूँ उसकी वीडियो होती हैं, रेमडीज़ की होती हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी मेरी वीडियो। आमना जो है तो अपने बाल नहीं सेट रहने देगी, दिन में कोई 10 दफ़ा मैं से कंघी करके देती हूँ। तो आमना क्या कर रही हो, आज शरारतें नहीं कर रही आप, चीहे भी नहीं मार रही साथ ही जो है तो आमना शरारतों पे और चीहों पे शुरू हो गई है और ये इसके साथ इसके भाई बैठे हुए हैं। क्या कह रही हो आप, तुम देख रही हो, अभी क्या कह रही थी, नहीं अच्छा बताओ ना अभी आप क्या कह रहे थे, आपने दूध पी लिया है। आमना को जी लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक है, जिस टाइम भी मैं पार्लर का कोई काम करूं, कोई कस्टमर वगैरह आ जाएं तो मैं उनका मेकअप करूं या कुछ भी पार्टी मेकअप वगैरह, तो आमना को बहुत शौक होता है कि सबसे पहले मुझे लिपस्टिक लगाई जाए और नेल पॉलिश भी लगाई जाए। अच्छा तो ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ ना, तो अब यकीन जाने कोई इसकी स्मेल नहीं है और ये खाने में भी इतना इंशाल्लाह हल्का होगा। फिर मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि बच्चे किस टाइम खाना खाते हैं और किस तरह से मैं आमना को मुश्किलों के साथ खाना खिलाती हूँ। आमना खाना खाने में बहुत तंग करती है जी। तो ये जी जनाब कलेजी मेरी पक के हो गई है रेडी, देखें कितनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी इसकी शक्ल निकली है पक के। और ये यहाँ पर आलू भी रेडी हो गए हैं, अब मैं बच्चों को खाना देने लगी हूँ। तो आप इसी तरह से अपने घर में अपने बच्चों के लिए मज़े मज़े के खाने बनाएं और मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें और लिंक भी आगे शेयर किया करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।